हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पानी को गर्म किया है। एक कप हमने इसमें सोयाबीन डाल लिया है। अच्छी तरह से हमने इसे बॉईल कर लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे। सोयाबीन को हमें ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने इसका पानी को चेंज कर लिया है। सोयाबीन ठंडी हो चुकी है तो इसकी हमें पानी को निचोड़ लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम सोयाबीन से पानी को निचोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे प्रेस ना करें वरना सोयाबीन जो है वो टूट भी सकता है। तो हमने इसे एक बोल में रख लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी हमें नमक डालना है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बेसन को हम डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो ये सोयाबीन है वो काफ़ी गीले हैं अभी, तो ये जो मसाले और बेसन है ना बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाएंगे। तो इस तरह से हाथ से आप इसे मिक्स करें तभी ये अच्छी तरह से मिक्स होगा। अगर आप इसे स्पून से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मसाले, नमक और बेसन जो है सोयाबीन में अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। इसे 5 से 10 मिनट के लिए आप मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने कढ़ाई में थोड़ा ऑयल गर्म किया है। सोयाबीन को अब हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में इसे हमें चला लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। ये देख सकते हैं, हमारे सोयाबीन जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता और थोड़ा सा हमने डाल लिया है दालचीनी। अगर आप कोई और खड़े मसाले यूज़ करना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इसे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हल्का सा हमें इसे सुनहरा कर लेना है। जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में हमने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इससे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। पानी में घोल करके जब हम मसालों को इस तरह से यूज़ करते हैं ना तो मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाते हैं, सब्जी का स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यह हमारा मसाला तैयार हो चुका है और यहाँ हमारे प्याज भी भुन चुके हैं। इसमें हमने डाल लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इस अदरक लहसुन को हमें अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने जो मसाले को रेडी करके रखा था उस मसाले को हम इसमें डाल लेते हैं। इसे हम मिला लेंगे। करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों को हम पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मसाले हमारे भून चुके हैं, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ हमने टमाटर को ग्रेट करके डाला है। 2 टमाटर हमने ग्रेट करके यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ग्रेट करके टमाटर को जब हम यूज़ करते हैं सब्जी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल लिया है। अब चलिए अभी से हम पका लेते हैं। तो करीब 1-1.5 मिनट में टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे मसाले टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन को हमने पहले जो फ्राई करके रखा था उसे अब हम इसमें डाल लेते हैं और इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। करीब 1 मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ पकाएंगे। इससे स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, हम इसमें गर्म पानी यूज़ करने वाले हैं ताकि जो सब्जी है उसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। तो आप चाहें तो नॉर्मल जो पानी होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें 1 कप पानी डाल लिया है और गर्म पानी डालने की वजह से ये काफ़ी जल्दी बॉईल भी होने लगता है।
फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई पे रखा है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो इन सबको अच्छी तरह से मिला लिया है और ग्रेवी में हमारे बॉयल भी आने लगा है। फ्लेम को अब लो पे करेंगे और इसे ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पे पका लिया है और ये देख सकते हैं हमारी ये सोयाबीन की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस पे हम डाल लेते हैं कटे हुए धनिया के पत्ते, मिक्स कर लेंगे इसे। फ्रेंड्स, इस सोयाबीन की सब्ज़ी को आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रेगुलर सोयाबीन की सब्ज़ी खा करके अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाएं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये सोयाबीन की सब्ज़ी की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।